वेट करना है कि कब हमारा ये बेयर जो हो डाउन होगा। ओके ब्रूस कम ऑन, कम ऑन ब्रूस कम ऑन। सो यार देख, सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्कल हंटर्स। सो यार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट स्टार पावर ग्लिचेस। स्टार पावर ग्लिचेस में हम एक बंदे की स्टार पावर दूसरे ब्रॉलर के साथ स्वैप कर सकते हैं। सो यार फर्स्टली मैं लेके आया हूँ हाइपर बियर पेनी। सो अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पेनी का मोटर है वो लगभग क्या यार 2 times स्पीड के साथ अपन जो ये हैं शेल्स वो थ्रो करेगा। सो इसके लिए हमें पहले अपनी जो सुपर है उसको फिल करना पड़ेगा। सो बेटर यही होगा कि अगर कोई ब्रॉलर हमारे सामने आ जाए। तो यार ऐसे तो बिल्कुल फिल होती लग नहीं रही है वैसे सुपर, बट स्टिल। सो अगर हम चाहें तो यही ऐप अभी हम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। लाइक अगर आपको जेसी का जो टूरेंट है उसके ऊपर अगर ये लगा देंगे तो वो दुगनी स्पीड से, हाँ यार दुगनी स्पीड से थूकेगा तो वो कुछ ज़्यादा ही। सो अभी फ़िलहाल मैंने बेस्ट स्टार पावर ग्लिचेस के नाम पे सो ये वीडियो ज़रूर बनाई है। तो एक बार इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। सो ये देखो यार, एक मोटर गिरते के साथ दूसरा मोटर चालू। आई मीन अगर ये सच्ची में कोई स्टार पावर होती ना पेनी की तो शायद आज पेनी ब्रॉल स्टार्स सबसे ब्रोकन प्लेयर होती। तो यार पढ़ते अभी हमारे दूसरे स्टार पावर ग्लिच की ओर। पहली स्वैप में नीटा की स्टार पावर पेनी पे लगा दी, हम पेनी की स्टार पावर को नीटा पे लगाने वाले हैं। तो हम लगाएंगे लास्ट ब्लास्ट अपनी नीटा के ऊपर। सो यार ये भी जो होने वाला है वो बहुत गदर होने वाला है। सो अभी तो शुरुआत में मेरे ख्याल से उनकी पर तो चार्ज हो जाना चाहिए क्योंकि दो दो ब्रॉलर मिल गए हैं। अभी चार्ज होने के लिए आई थिंक सिर्फ 3 shots और चाहिए, नहीं हाँ अब 3 और shots चाहिए शायद। सर चार्ज होने के बाद आप देखेंगे कि ब्रूस क्या तबाही मचाएगा। हो गई। ओके ओके, तो यार अब हमें बस वेट करना कब हमारा ब्रूस जो है वो डाउन होगा। वो डाउन होने के बाद अब हमारी पेनी की जो लास्ट ब्लास्ट है वो अपना रंग दिखाएगी। सो यार अगर ये स्टार पावर सच्ची में होती ना तो सही में मज़े से आ जाते। ओके मूविंग टू आर नेक्स्ट स्टार पावर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ब्रॉक की स्टार पावर इंसेंडियरी को स्विच पाइपर की, जो भी दोनों एबिलिटी है उनमें से किसी के भी साथ। सो ब्रॉक की स्टार पावर को पाइपर से स्विच करने के बाद जो पाइपर का डैमेज इंसेंडियरी के साथ लगता है यार दैट्स इनसेन। सो ब्रॉक की स्टार पावर बस करती इतना है कि जहाँ पे भी उसका शॉट लैंड होगा वहीं पे वो 600 डैमेज का एक पोर्टल सा खोल देगी जहाँ पे अगर कोई भी जाएगा तो डैमेज होगा। सो यार 600 डैमेज अगर आप पाइपर की मतलब शॉट्स के बाद लगा दे हो तो सही में पाइपर अभी भी एम्बुश के साथ सबसे ज़्यादा ओपी ब्रॉलर है। अभी से अगर कोई इसमें इंसेंडियरी लगा देता हो तो यार कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन ये हो, देख ही सकते हो यार। सिर्फ पाइपर विदाउट इंसेंडियरी इतनी वो ब्रोकन है आजकल, और विद इंसेंडियरी 600 डैमेज पर सेकेंड टू गुड भाई। अभी तो अच्छा यार चलो इस मैच को फिनिश कर लेते हैं फिलहाल। ना डैरिल अपने आगे कुछ है, ना ब्रॉक, ना बी तो शायद। सो यार अगर आपको और थोड़ी ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें हम स्टार पावर स्वैप्स करेंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, थैंक यू यार। उसके बाद आई डोंट थिंक कि हम इससे सर्वाइव कर पाएंगे। ओके तो यार 8-bit ओपी, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार पावर की तरफ। 8-bit ने हमें किल किया, अब हम करने वाले 8-bit की पावर के साथ स्वैप किसका, रिगो की रोबो रिट्रीव का। सो हमें पता है कि 8-bit कितना अनोइंग होता है क्योंकि वो चल के नहीं देता। सो अब रिगो की रोबो रिट्रीव के साथ हमें इससे भी खेलने में मज़े आ सकते हैं। सो यार आई विश कि सुपर शायद कोई अगर थर्ड स्टार पावर लाए। सो यार 8-bit के लिए स्पेशली ऐसी कोई स्टार पावर हो।
शायद ये देखिए यार, आई मीन एक बार ये एक्टिवेट हो जाए उसके बाद तो हमें अपने आप को हील नहीं होने देना चाहिए। हम रोजा से बच के भाग सकते हैं, 8 बिट का डैमेज और फिर उसके बाद रिको की स्पीड। सो यार गदर कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसी कुछ स्टार पावर सच में होनी चाहिए यार। सो यार अभी लाइक ठोक दो प्लीज इस वीडियो पे। सो शायद से अगर ये स्टार पावर होती तो ये 8 बिट शायद से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। जो स्टार पावर 8 बिट जैसे हल्लू हल्लू चलने वाले ब्रॉलर को तेज कर सकती है तो तेज ब्रॉलर को कितना तेज कर देगी। सो चलो यार क्रो की तरफ देखते हैं, क्योंकि क्रो और लियोन की सेम स्पीड है मूवमेंट वाली सबसे तेज, हालांकि लियोन की स्मोक ट्रेल्स में फास्टेस्ट वो स्पीड है। सो उसको छोड़ते हैं, अभी अपनी हेल्थ कम करवाते। ओ माय गॉड, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन अगर मैं जब मैं जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है जैसे पता नहीं है थोड़ी सी मूवमेंट पे कितना ज़्यादा भाग रहा है। इट्स लाइक अनकंट्रोलेबल भाई। मैं नहीं चाहूँगा ये क्रो की कभी भी ऐसी कोई स्टार पावर आए, क्योंकि यार ये कंट्रोल भी नहीं होता ऐसे। सो यार आज के लिए हम करते हैं अपनी वीडियो कर रहे हैं, बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।